वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मा। बिस्मा, बिस्मा थोड़ा ऊंची बोलेंगी बिस्मा? अगर आपको मोइन जैसे प्रपोज करें तो आप उनको इनकार कैसे करेंगे? ये सवाल ये सबसे करवा रहा है। एक सेकंड। अल्लाह की कसम ये सवाल मुझे नहीं पता था। आपने क्यों सोच लिया कि मैं इनकार करूं? जी मैं चलता हूँ, मेरे जाने का टाइम आ गया। और मैं मजाक नहीं करी, मोमिन एक इंतहाई सेंसिबल, इंटेलिजेंट, तमीज़दार आदमी है। एंड आई एम अ फैन ऑफ हिज हेड। क्या टाइम ला के दे, मुझे मारो। थैंक यू सो मच। मैं सही कह रही हूं? अस्सलाम वालेकुम। हां, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सिमल। सिमल, अरे बहुत प्यारा नाम है। क्या करती हैं सिमल आप? मैं पढ़ती हूं। क्या पढ़ती हैं? सीएस कर रही हूं। अरे कंप्यूटर साइंस। कौन सी लैंग्वेजेस में आपका इंटरेस्ट है? मत दे जवाब, पता क्यों? क्योंकि मैंने खुद कंप्यूटर साइंस की है। चाइनीज लैंग्वेज में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरा सवाल मरहूम सर से है कि सर आपने माया अली के साथ काम किया, आयशा उमर के साथ काम किया, उर्वा के साथ काम किया, आपने सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको पाया? महमूद कौन है? महमूद मरहूम। नाम सारे ऑफ। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत किसे पाया? किसे पाया? अतिका ओडो को। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें भी ऐसी मुसीबत में डाले जिसमें तुमने मुझे डाला है। लेकिन कितने प्यार से अगली ने पूछा आप देने का। मैं और तीसरी कौन थी? माया अली। यार मेरे ख्याल में तो तीनों ही बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन यह है कि मेरा जोड़ नहीं है। मेरा एक लेवल है खूबसूरती, तो फिर ये मेरी एक क्लास है, चाहे वो थर्ड क्लास है। यार उनको मिस कर रहा हूं, अपनी ऑडियंस को मिस कर। अरे वेलकम बैक मेरी जान, क्या हाल है? इन्हीं से बातें चल रही है। आओ 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 आओ। अच्छा जी, अगेन दिस इज व्हाट माय रिसर्च टीम हैज कम आउट विद, बट आप कहती हैं कि फ्लर्टिंग इज डिबेटेबल। ये मैंने सुना है, तो मेरा सवाल ये कि आपके पास कोई चार्ट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हो? सिर्फ इसलिए कि हमारे लड़के छिछोरे हो जाते हैं, हमारे लड़के आजकल बड़े छिछोरे, तो आपके पास कोई चार्ट है जिसमें आप रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने डिफाइन किए हैं? ये सीख के अप्लाई करना चाह रहे हैं? देखिए मेरे पास अपने लिए चार्ट है, मैं किसी और के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। आपका यहां पूछ रहे हैं। अच्छा मैं? हाँ। कि मैं किसी से फ्लर्ट किस तरह करूं या मुझसे फ्लर्ट कौन किस तरह करे? आप किसका जवाब देना प्रेफर करेंगे? बड़ा बड़ा देखिए, आपने सवाल को आप और डेप्थ में लेके गए। आप बताएं कि मैं अपनी फ्लर्टिंग के रूल्स बताऊं? अपने अपने बता दो कि मैं किससे फ्लर्ट करूंगी। चलें हाँ जी। अच्छा, अब और से सुने लड़के जितने भी बैठे हुए हैं, ये आप लोगों के लिए ट्रेनिंग। कभी भी किसी शादीशुदा आदमी से फ्लर्ट नहीं करूंगी। वेरी गुड। अच्छा फिर हम लोग तो सर बस ठीक है मेरी बहन। किसी भी कमिटेड डेटिंग आदमी से भी फ्लर्ट नहीं करूंगा। अच्छा फिर मैं बहुत छोटे लड़के से भी फ्लर्ट नहीं करूंगा। आपका चांस भी खत्म हो गया भाई। तीन हो गए आगे। बहुत बड़े से भी नहीं करूंगा। आपका चांस भी खत्म हो गया। चार हो गए। सारे यहीं बैठे में हर तरह का ऑप्शन आई खत्म कर रही। यू नेवर नो कि कभी किसी मतलब हो भी सकता है प्यार किसी बड़े आदमी से। क्या यानी कि ये सवाल कभी खत्म भी हो सकते हैं? यार वैसे एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा क्या 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 आपके पहले दो तो बिल्कुल आई प्रिंसिपल ही है ना, जो दूसरे दो तो एक वाले वो सब्जेक्टिव है। क्या पता मुझे हो जाए किसी बहुत 80 ईयर ओल्ड या 90 या बहुत किसी मैरिड आदमी से, मतलब हो ही जाए। नहीं होता, वो नहीं होगा। इनफैक्ट अगर कोई मैरिड आदमी मुझसे फ्लर्ट करे तो मैं तो रिपल्स हो जाऊं। नहीं, no, I will say something one line to him, and then I would walk away. अब बताओ वो one line क्या होगी?
I love you too. जी तो हमारा अगला सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं तोले बगैर बोलो। लेकिन उसके साथ साथ ये आपको पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वैकी वायर, जिसमें आपने जवाब देते देते अगर आपने ये करंट लग गया तो करंट लग जाएगा, तो आपने इसको तरीके से ये पार करना है और हमारे साथ साथ सवालों के जवाब देने हैं। यार बड़ी प्रैक्टिस है, एक भी आवाज नहीं आई उधर। तो हम दो दो करके पेयरिंग में करेंगे काम। पहले मैं अपने दो भाइयों के साथ ये सिलसिला शुरू करूंगा। फाइव कॉन्टिनेंट्स के नाम बताएं। मैं दोनों जल्दी बताएं। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और कौन सा रह गया? एक और, अंटार्कटिका। ओके, यस, यूरोप। सर सर करंट लगता है, मैं जब बता रहा हूं तो ये हो रहा है। सर रुक जाएं, जब सवाल पूछूंगा जब आप क्यों करना है। ठीक है ठीक है, सर करंट लगता ना, पीछे आ जाओ। चले जी, रिवर्स गियर में, रिवर्स में, सॉरी। मानी की तीन फिल्मों के नाम। किसकी? मानी की। लफंगे, कुल्फी और मनी बैग गारंटी। ओके यार, जब मैं बताता हूँ तो टच होता है, तू बता। मैं ठीक हो गया। ताजमहल किस शहर में है? आगरा। हमारे लास्ट तीन प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताएं। इमरान खान, नवाज शरीफ, गिलानी का क्या नाम है? यूसर रजा गिलानी। क्रिकेट में नो बॉल के बाद क्या होता है? यस बॉल। यस बॉल नहीं, फ्री हिट। अच्छा, कौन सी चीज है जो सब्जी भी है और फल भी? टमाटर। टमाटर। सर करंट बहुत लग रहा है, सर करंट बहुत लग रहा है। जवाब मैं दे रहा हूँ ना इसलिए। टीचर के पास कौन सी तीन चीजें हर वक्त होती है? डिपेंड करता है कि मेल टीचर है या फीमेल। टीचर। टीचर के पास डस्टर, चौक और छतरी। छतरी। अच्छा ठीक है। बारिश में भीगे बगैर कैसे घूमा जा सकता है? गाड़ी में बैठ के, छतरी लगा के। अरे कमाल। गाड़ी का कौन सा टायर है जो चलता है पर घिसता नहीं? वो जो स्टेपनी वाला होता है। अरे घोड़ा कैसे सोता है? खड़े होके। सारे तो यार कमाल, यार क्या जनरल नॉलेज के सवाल पूछते हैं। अच्छा कमाल। अरे यार ये बड़ा मुश्किल काम है ये। मैं आपको बहुत आसान पूछूंगा। हाँ बहुत आसान। अच्छा, मेरा आपसे वादा है। ऊंची चीखे नहीं मार सकती तो म्यूजिक चीखे तो मैं मारता हूं। म्यूजिक को एक्स्ट्रा रखो। अच्छा ले आ सकते हो। ओ प्लीज, पहले पै गया। चल बहुत आसान पूछूंगा। ओके बिस्मिल्लाह करें। तीन चीजें बताएं मनी बैग गारंटी किसी को क्यों देखनी चाहिए जाकर? एक तो उसमें फवाद खान है, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट, हार्ट थ्रॉब। ओके दूसरा मैं हूं। ओके तीसरा उसमें मैंने अपना सेकंड डांस नंबर किया है। वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, मत मुझे फोर्स किया करो इस चीज पे। मैं नहीं चाहता ब्रेक्स लेना यार, मेरा इनके साथ एक इशू चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाना। मुझे मेरी ऑडियंस वापस चाहिए, मुझे मेरी ऑडियंस वापस चाहिए। ब्रेक खत्म करो। आ गए, मैं यही लड़ा था इनसे कि ब्रेक खत्म करो। अगला